स्वागत है मेरा मनदीप कौर। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन के बीच चिकित्सकों व पुलिस मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभा रही है, वहीं समाज सेवी साइदुर रब ने स्वास्थ्य कर्मी पुलिस कर्मी और सफाई कर्मी के कार्य की प्रशंसा की और कोरोना से हुई मौत पर अफसोस जाहिर किया और लोगों को रमजान व लॉकडाउन को लेकर अपील की सभी लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें क्योंकि लॉकडाउन हमारे हित में है। आइए सुनाते हैं समाज सेवी साइदुर रब ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को रमजानुल मुबारक की महीने की मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक लॉकडाउन की समस्या है उस पर कुछ कहने का सवाल है, तो लॉकडाउन क्यों है और किसके लिए है हमको पहले ये समझना पड़ेगा। लॉकडाउन सिर्फ इसलिए किया गया है कि हमारे और दूसरे लोगों के बीच में एक डिस्टेंस, एक फासला बना रहे, क्योंकि बीमारी छुआछूत की और नज़दीक आने से या खांसने से एक दूसरे के ऑर्गेनिज्म दूसरे तक जाने से या किसी को टच करने से होता है। तो ये लॉकडाउन जो भी किया गया, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद उनको अंदर बंद कर दिया गया या उनको रोक दिया गया है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये उनके हक में है, ये उनको बेहतर है, उनको समझना चाहिए कि आज लॉकडाउन में पूरी दुनिया है और जो लोग लॉकडाउन का सही ढंग से पालन कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा सुरक्षित और सेफ़ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा बेहतर हैं, आने वाला समय उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये जो भी लॉकडाउन किया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या हमारे उनकी मशीनरी द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये उनको अपने लिए उन्होंने नहीं किया, ये हमारे हित में किया है, देश की जनता के हित में किया है, बहुत ही ज़रूरी था। आज उसी का रिजल्ट है कि दुनिया में कितने केसेस जो है कोरोना के आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जहाँ की आबादी 125 अरब की है, 125 करोड़ की है, ऐसे में जो है लॉकडाउन होने की वजह से ही बहुत ही कम केसेस हुए हैं। और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ज़िले के प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको फॉलो कराया है। जहां तक मोहल्लों में आपका कहना है कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं बहुत तो नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरत से ही ज़्यादातर लोग निकलते हैं, कुछ लोग ज़रूरत के अलावा भी निकलते हैं कि चलिए हम देखें क्या हो रहा है। तो उनको हमारा यही सजेशन है, हमारा यही कहना है कि जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो और कोशिश करें कि वो भी टेलीफोनिक तरीके से हो जाए तो अच्छा है, तो इसमें शासन प्रशासन का सहयोग करें। हमको ये समझना पड़ेगा कि आज पुलिस वाले चौराहे चौराहे खड़े होकर के हमको क्यों रोक रहे हैं, आखिर उनके भी परिवार हैं, वो भी चिंतित हैं, वो भी परेशान हाल हैं, उनके पास और भी बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत से काम हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी सेफ रहे, हमारे मसले कम से कम समाज में आवें, इसलिए वो हमको जो है चाहते हैं कि हम अपने घरों में रहें, कि समस्याओं का समाधान होता है। और मैं तो इलाहाबाद के जनता को भी प्लस साथ में उससे कहीं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, जिस खूबसूरती से यहाँ के SSP DM और उनके मातहत लोगों ने जो है इस चीज़ को कंट्रोल किया है और इस चीज़ को फॉलो कराया है, उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इलाहाबाद के अंदर पर्सनली एक भी जो है कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया, जो भी है वो बाहर से आए हुए एक दो लोग हैं जिनकी वजह से जो है आया था, वो भी कहीं ना कहीं बेचारे फंस गए, कोई जानबूझ करके नहीं चाहता कि उसको कोरोना हो। इसलिए आप लोग शासन प्रशासन का सहयोग करें और उनको जो है इसको लॉकडाउन को कामयाब बनाने में मदद करें, ये हमारे आपके हित में, इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। और मैं साथ ही साथ जो है इस लॉकडाउन में जिन लोगों ने और इस कोरोना की लड़ाई में जो है मेडिकल स्टाफ, सफाई वाले स्टाफ प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ, चाहे वो तहसील के हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे जो भी हों, सब सभी को मुबारकबाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी आपकी मदद के लिए हर वक्त तत्पर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुनते हैं, TV में देखते हैं कि बहुत से जो है मेडिकल के स्टाफ, बहुत से सफाई कर्मचारी, बहुत से पुलिस वाले भी इससे संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा चुके हैं, जान न्यौछावर कर चुके हैं। तो उन्होंने जो जान न्यौछावर की है इसलिए नहीं की है कि वो उनका उसमें कोई हित था, बल्कि उन्होंने देश की जनता के हित में किया है। तो ऐसे लोगों को फिर से हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं जिनकी जान जा चुकी है, और जो लोग जो है उसके लिए लड़ाई में मदद कर रहे हैं, हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, हम उनको सबको सल्यूट करते हैं। का जहाँ तक मसला है, हम आप सभी जानते हैं कि रमज़ान इबादत का महीना है, रमज़ान सब्र का महीना है, रमज़ान में एक दूसरे की मदद करने का महीना है, रमज़ान में इंसानियत दिखाने का महीना है। तो ऐसे में जो है हमको आपको जो है इस मुबारक महीने में जो है सबसे ज़्यादा, अब ये चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा समय मिला हुआ है कि आप इबादत
खूब करें, खूब करके अल्लाह से गिड़गिड़ा करके दुआ मांगें कि जो नागयानी आफत आई हुई है, जो आपदा आई हुई है इस हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, ये हमसे आपसे दुनिया से दूर हो जाए, जिससे हम लोग फिर से खुशी खुशी जो है उसी ढंग से नमाज़ रोज़ा तरावी का अहतमाम हो सके। आज हम घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, और जो लोग भी जो है घरों में पढ़ रहे हैं वो ना समझें कि उसको इंशाल्लाह अल्लाह उससे बेहतर बदल देने वाला है, ये उसके हाथ में है और ये उसकी मर्ज़ी है कि आज हम आप घर के अंदर जो है बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ना इंशाल्लाह कबूल करने वाला वो है। और जहाँ तक रमज़ान में जो है, असली रमज़ान जभी है आज के हालात में कि आप इस चीज़ पे कम ध्यान दें कि हमको सहरी में क्या मिलना है, तरावी में क्या मिलना है या आफ्तारी में क्या मिलना है, बल्कि ये देखें कि रमज़ान के इस महीने में हमारे पड़ोस में कोई आदमी भूखा तो नहीं सो गया है, हमारे रहते हुए कहीं जो है ऐसा तो नहीं कि हम जो है तरह तरह की आफ्तारी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है एक गिलास पानी के लिए या खजूर के लिए तरस रहे हों। तो ऐसे में हमारे लिए वो रहमत नेमत न होकर के बल्कि जहमत है। इंसानियत कहीं जब मर जाती है तब ऐसा होता है, तो आप इंसानियत को फिर से ज़िंदा करें और देखें कि आपके पास पड़ोस में कहीं पर भी किसी को भी कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और जो डिशेज़ आप बढ़ाने वाले हैं उस डिशेज़ को कम करके अपने पड़ोसियों के, अपने देशवासियों के, अपने गाँव वासियों के, अपने मोहल्ले वासियों की मदद करें जो है, जिससे उनका भी जो है महीना बेहतर से बेहतर गुजर सके। और जहाँ तक रमज़ान में लोग ईद की खुशियों के लिए, ईद के लिए तमाम जो है जो परचेजिंग करते हैं, बच्चे नए नए कपड़े चाहते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें चाहते हैं, तो मैं उनसे सबसे घर वालों से यही इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अब की वो फजूल खर्चियों से बच करके वो सारे पैसे जो है उन गरीब लोगों में जो ज़रूरतमंद हैं, जो माता उसके जरूर असली हकदार हैं, उनके ऊपर खर्चा करें। वही असली इंसानियत भी होगी, वही असली पहचान भी होगी, वही असली रमज़ान का रिज़ल्ट भी होगा इंशाल्लाह। और चाहे ईद का मौका हो, चाहे रमज़ान मुबारक का मौका हो, किसी भी मौके पर कहीं पर भी कानून को ना हम तोड़ेंगे, ना हम भीड़ को इकट्ठा होने देंगे, ना इकट्ठा करेंगे। अगर शासन प्रशासन नहीं भी बोलता है तब भी हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि ये इस लॉकडाउन को सफल बनाते हुए, एक दूसरे से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोग अपने जो है कुछ दिनों की ज़िंदगी को व्यतीत करें तो बेहतर होगा, जिससे हमारा भी और घर हमारे घर वालों का, परिवार का, ज़िले का बेहतर रिजल्ट आने वाला है। शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब